सरकार के रवैये से नाराज कोटेदारों का धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। सेवापुरी ब्लॉक में आज फिर धरना प्रदर्शन जारी रहा। कोटेदारों ने कहा कि सरकार यदि हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहे। वहीं आज पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल व प्रदेश महासचिव कांग्रेस हर्षवर्धन सिंह ने भी कोटेदारों का समर्थन किया। लोगों ने बोला कोटेदारों का मांग जायज है। वाराणसी से पीपीसी रिपोर्टर चंद्रशेखर मिश्रा की ये रिपोर्ट। कोई जनप्रतिनिधि या आला अधिकारी आप लोगों के सक्षम आया समक्ष आया? जी, हम लोग समस्याओं को जानने के लिए जी पूर्व राज्य मंत्री श्रीमान सुरेंद्र जी पटेल जी सपा नेता और सपा अरे कांग्रेस के महासचिव और हर्षवर्धन जी सेक्टर नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में, वो हम लोग के सहयोग में आए हुए। तो उन्होंने क्या आप लोगों को आश्वासन दिया? हम लोग की बात जो है वो प्रशासनिक स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दे के यहाँ से गए हैं पत्रक लेके। आप लोगों का संगठन इस समय कहाँ तक पहुंची है? आप लोगों लेकर वैसे तो हमारा संगठन जो देश व्यापी इसमें हड़ताल पे है, लेकिन विशेष तौर करके उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में हड़ताल इस समय जोरों से 6 दिन से कंटिन्यू लगातार चल रहा है। क्या गोदाम से एकदम निकासी हर जगह बंद हो गई है? जी जी, पूरे उत्तर प्रदेश में सर। क्या कुछ बीच बिचौलिया आकर के आप लोगों के मनोबल को या साहस को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बीच बिचौलिया कोई इसमें मतलब नहीं है, कोई आता जाता नहीं। हमारा संगठन जो है ऑलरेडी बहुत मजबूत संगठन, सब लोग एक साथ एकजुट एक मंच पे हैं, एक आवाज एक बुलंद समझ। आप लोगों का शोषण किस देर तक होता था? क्या प्रशासनिक स्तर से होता था या आपके कर्मचारी ही आपके जो आला अधिकारी हैं वो आपका शोषण करते थे कि आपका उच्च लेवल से शोषण हो रहा था? शोषण तो नहीं, जो हमारी मांग है उससे मतलब शोषण की बात हम क्या कहें, कहाँ शोषण क्या होता है वो सबको जानकारी है कहाँ से शोषण होता है। लेकिन जो हमारी मांगे जो 8 पत्रक हमने दिए हैं वो जो हमारी मांगी पूरी कर लिया जाए वही है। तो 7 सूत्री मांगे आपकी किससे है, शासन से कि प्रशासन से है? नहीं, शासन से है ना, प्रशासन से क्या, शासन से है, उत्तर केंद्र सरकार इनसे है ये जो मांगे हमारी पूरी करे। तो कोई भी सक्षम अधिकारी आप लोगों के समक्ष अभी तक नहीं है? अभी तक कोई अधिकारी संपर्क में भी नहीं है अभी, चलेगा। आप ऐसे धरना को कब तक लेके चलेंगे, कहाँ तक लेके चलेंगे? जब तक हम लोग की पूरी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम धरना चालू कर रखेंगे। और अगर उच्च जैसे हमारे पदाधिकारी उनके द्वारा भी निर्देशित किया जाएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, चाहे जेल भरो आंदोलन हो चाहे आमरण अनशन हो, उसके लिए जो हमारा मतलब हर तरह तक जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? हर स्तर तक हम लोग तैयार हैं। संगठन आपकी आपके साथ है? संगठन संगठन हमारी पूरी हमारे साथ है। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। सेवापुरी में हम इस समय है, सेवापुरी के कोटेदार बंधु जो है इस समय आमरण अनशन पे हैं और इन लोगों का हाल जानने के लिए लगातार 6वें दिन आज कोई आला अधिकारी तो आया नहीं, जनप्रतिनिधि दो दो आए हुए हैं जो इनका हाल समाचार जानने के लिए। उपाध्यक्ष महोदय हैं, सेवापुरी के उपाध्यक्ष महोदय संगठन के श्रीमान प्रियानंद सिंह जी।